आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 दिवसीय दीप पर्व बहुत जल्द आरंभ हो जाएगा। दीपावली पर 5 दिनों तक धनतेरस, नरक्षोदश, दीप पर्व, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त जयंती, ये 5 त्यौहार लगातार 5 दिन तक मनाए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दीपावली पर घरों की साफ़ सफाई के लिए झाड़ू भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, झाड़ू का पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा दिए भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, पर बाजार वैसा गुलजार नहीं दिख रहा है जैसा गुलजार होना चाहिए। 24 अक्टूबर 2024 का ये नज़ारा, और 24 अक्टूबर को बाज़ार में ग्राहक की बिल्कुल ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। दीपावली पर दिया बेचने वाले और छोटे छोटे सामग्री बेचने वाले छोटे दुकानदारों के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दे रही होगी, चेहरे पर मायूसी अलग दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ही दिए आप बुला सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें बुला सकते हैं। बड़े व्यापारी जो कमीशन पर, वैसे देखा जाए तो जो बड़े व्यापारी हैं वे कमीशन पर, जो जिन्हें कुछ मार्जिन होता है बाहर से कोई उत्पाद बुलाकर यहाँ अपने शोरूम या दुकान से बेचते हैं, वे ऑनलाइन का विरोध करते हैं। जबकि मूलतः इन छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि इनके घर भी दिवाली है, ये खुद बनाते हैं इन दियों को, मिट्टी की सामग्रियों को, और छोटी छोटी सी चीज़ों का निर्माण ये खुद करते हैं, और उस निर्माण को की लागत भी अगर इनकी निकल जाए तो इनके लिए बहुत राहत की बात होती है, ये दिवाली मना सकते हैं। देखा जाए तो सिवनी में व्यापारिक संगठनों को मिलकर प्रशासन से बात करनी चाहिए, और जब भी कभी इस तरह से छोटे व्यापारियों के लिए बहुत जो बहुत ही कम लागत जिनकी होती है, फिलहाल एक छोटी यहाँ पर व्यापारी हैं, एक बुज़ुर्ग महिला हैं, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है आइए हम सुनाते हैं। ये बुज़ुर्ग महिला क्या कह रही हैं, इनका कि इनकी पीड़ा क्या है, सुनते हैं। बताइए क्या परेशानी आप? हम साल के दीपावली के लिए आते थे यहाँ जी, हर दुकान एक लाइन से लगती थी। हाँ हाँ। अब बीच में एक ठेला लग गए चाय के, समोसे के, कुमारो आदमी को कितनी परेशानी हो रही है, दुकान लगा रहे हैं तो कोई कहीं लगा रहा है बेचारा, कोई कहीं लगा रहा है। अब हम 4 दिन के धंधा के लिए गरीब गरीब सब आते, छोटे आदमी बड़े आदमी, 4 दिन का धंधा के लिए अब उतनी सी दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम लोगों को परेशानी है। एक दुकान इधर है, एक दुकान उधर है, एक दुकान उधर है, कोई कहते हैं कि मठ मंदिर तरफ जाओ तो मठ मंदिर से हमारा धंधा हो जाएगा जी। है सुना आपने कि इनकी पीड़ा किस तरह की है, और ये क्या इनकी अपेक्षाएं हैं। छोटे छोटे व्यापारी हैं जो इस तरह से होली दिवाली के आसपास ही अपनी सामग्री बेचकर कुछ धन अर्जित करते हैं, परिवार का लालन पालन करते हैं। इन सब के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या उसके अलावा अन्य व्यापारिक संगठन, जिले के व्यापारिक संगठनों को जिला प्रशासन से बात करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए, नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों से बात करनी चाहिए। इन सभी व्यापारियों को किसी तरह का दबाव और भय दोनों से मुक्ति दिलाने की जवाबदेही व्यापारिक संगठनों की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है, सिवनी जिले के सांसदों और विधायकों की है। उन्हें प्रशासन से बात करके इन छोटे व्यापारियों को दुकान लगाने में कहीं असुविधा ना हो। आपने सुना कि कभी मठ मंदिर भेज दिया जाता है, कभी कहीं भेज दिया जाता है। इन में से अनेक व्यापारी यही कहते मिलते हैं कि उन्हें फुटबॉल बना दिया जाता है, क्योंकि उनके पास उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई वॉइस नहीं है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं चेहरे पर इन दुकानदारों के मायूसी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। इनका सामान रखा हुआ है, झाड़ू
और मिट्टी के दिए, कलश, देवी प्रतिमाएं सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। और उस सब के बाद भी इन सब की सामग्री की बिक्री नहीं हो पा रही। ऑनलाइन खरीदी का जो विरोध हो रहा है, ऑनलाइन खरीदी का विरोध देखा जाए तो इन लोगों के लिए होना चाहिए। देखिए, देवी प्रतिमाएं भी आपको दिख रही होंगी, मिट्टी के बर्तन भी दिख रहे होंगे, दिए भी दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही होंगी। इस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आप सभी से, सभी सुधी दर्शकों से अपील करती है कि ये छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन खरीदी का बहिष्कार करें। जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप कुछ बड़ी सामग्री लेते हैं जो हजारों रुपए की आती है, उसमें अगर आप ऑनलाइन ख़रीदने जाते हैं तो आपको जो ऑफलाइन, अगर आप किसी की दुकान में जाकर उसे ख़रीदते हैं और वो सामग्री अगर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये, हम उदाहरण के लिए 20 हज़ार रुपये की है, और ऑनलाइन आपको 15 हज़ार रुपये की मिलती है, तो 5 हज़ार रुपये आप निश्चित तौर पर बचाना चाहेंगे। उस ऑनलाइन खरीदी से शायद ही सिवनी जैसे ज़िले में या जिला मुख्यालयों में शायद ही किसी को बहुत ज़्यादा अंतर पड़े, पर अगर आप ऑनलाइन दिए खरीदते हैं तो ये इन दिए बनाने वालों को काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से करबद्ध अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑनलाइन ख़रीदने की बजाय इनके पास जाकर आप ख़रीदें। और अगर आप मोल भाव नहीं करते हैं तो आप इनके चेहरों की खुशी देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, ये एक दुकानदार यहाँ बैठे हैं और चेहरे की मायूसी स्पष्ट बता रही है, स्पष्ट बात के संकेत दे रही है कि इनकी जो इनके द्वारा दिए और अन्य चीज़ें बनाई गई हैं उनकी बिक्री अभी आरंभ नहीं हो पाई है, जबकि दीप पर्व में सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। इस एक सप्ताह के समय में अब इनकी बिक्री कैसे होगी? इसके अलावा कुछ लोगों ने दबी जुबान से ये भी कहा कि उन्हें प्रशासन के कारिंदे, नगरपालिका के कर्मचारी, पुलिस के भी कुछ कर्मचारी उन्हें परेशान करते हैं। तभी जुबान से ये कहते हुए वहाँ सुने गए कि उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन और से अपील है, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता से अपील है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया दोनों से अपील करती है कि वे अपने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश जारी ये करें तो बहुत उचित होगा कि इस तरह से छोटे व्यापारियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। इसके लिए इन सभी अपने अधीनस्थ मातहतों को पाबंद करने की ज़रूरत जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इक्का दुक्का ग्राहक देखते ही इनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। और बाजू की दुकानदार को देखिए, बाजू में जो एक महिला बैठी है वो भी सामग्री लेके बैठी हुई, उसके चेहरे पर देखिए, वो कभी इन ग्राहकों को देखती हैं और कभी बाजू के दुकानदारों को देखती हैं वास्तव में। और यहाँ देखिए, दाईं तरफ आपको एक आवारा मवेशी भी घूमता दिख रहा होगा। नगरपालिका परिषद क्या कर रही है पता नहीं, नगरपालिका परिषद तरह तरह के दावे करती है। कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद है, ये देखिए आवारा मवेशी चला आ रहा है। एक कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में सत्ता में है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी नगरपालिका परिषद की मशकें, कम से कम इस मामले में आवारा श्वान, आवारा मवेशी, आवारा सुअर और अन्य आवारा जानवरों के मामले में कसती हुई नज़र नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी। पता नहीं कारण क्या है इसका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। अखिलेश दुबे की इस रिपोर्ट के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।